बॉबी देओल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। वहीं बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल में मूक नायक अब्रार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है। इस किरदार ने उन्हें लॉर्ड का टैग दिलाया और ये एंट्री सॉन्ग जमाल कुडू पर सिर पर गिलास रखकर उनका हुक स्टेप था, जो तुरंत ही उनके फैंस का एक फेवरेट स्टेप बन गया। अब हाल ही में बॉबी ने एक बार फिर सभी को सरप्राइज कर दिया है, जब उन्होंने अपनी भांजी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में जमाल कुडू पर अपने परफॉर्मेंस से मंच पर धूम मचा दी। बॉबी देओल ने हाल ही में अपनी भांजी निकिता चौधरी के संगीत समारोह की शोभा बढ़ाई थी, जिसमें उन्होंने जमाल कुडू पर अपने सिग्नेचर स्टेप से स्टेज पर आग लगा दी। अभिनेता ब्लैक कुर्ते में काफी हैंडसम लग रहे थे, जिसे उन्होंने जैकेट स्टाइल कोट के साथ जोड़ा था। इसके अलावा जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, एनिमल अभिनेता को एक गिलास उठाकर अपने सिर पर रखते हुए देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में जमाल कुडू प्ले हो रहा था। इस गाने पर बॉबी ने जिस तरह से डांस किया, उससे हर कोई हैरान रह गया है। दोस्तों, कैसा लगता है जब आप अपना बचपन का सपना पूरा कर ले? कुछ ऐसा ही किया है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने, जो है परिणीति चोपड़ा। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की एक शानदार एक्ट्रेस तो हैं ही, इसके साथ ही वो एक बेस्ट सिंगर भी हैं। उन्होंने कई बार अपनी सिंगिंग से लोगों का दिल भी जीता है। अब हाल ही में इस मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपनी पहली बार लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस दी है और अपना साल पुराना सपना पूरा किया है। अब कॉन्सर्ट की तस्वीरें एक्ट्रेस ने फैंस के साथ शेयर की हैं और एक इमोशनल नोट भी लिखा है। तस्वीरों में परिणीति ब्लैक आउटफिट पहने बेहद स्टाइलिश लग रही हैं और स्टेज पर गाना गाती दिखाई दे रही हैं। उनका ये लुक काफी स्टाइलिश है। फैंस एक्ट्रेस के इस पोस्ट को खूब लाइक और कॉमेंट्स कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से एक्टिंग में डेब्यू करने वाली परिणीति चोपड़ा इशक जादे, हंसी तो फंसी, गोलमाल अगैन, मिशन रानीगंज जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस सिंगिंग की दुनिया में एक कदम रखना चाहती हैं, जो कि उन्होंने लगभग पूरा ही कर दिया है। अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया है, क्योंकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर था। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई है। पूनम पांडे के निधन की खबर ने लोगों को काफी शॉक कर दिया है। पूनम पांडे के मैनेजर ने ये खुलासा किया है और बताया कि 1 फरवरी की रात को सर्वाइकल कैंसर से जंग के बाद उन्होंने दम तोड़ा है। पूनम पांडे की टीम ने बताया कि पूनम ने अंतिम सांस अपने गृह नगर कानपुर में ली थी, हालांकि अभी उनके अंतिम संस्कार की जानकारी आना बाकी है। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान शेयर किया गया था, जिसमे उनके इस दुखद हादसे की जानकारी दी गई थी। बता दें कि पूनम पांडे ने साल 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पूनम पांडे के निधन की खबर ने लोगों को और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी शॉक में डाल दिया है। सुपरस्टार रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मेगा बजट मूवी रामायण रिलीज से पहले ही टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। फिल्म रामायण के एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं फिल्म रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी भी स्टार्स को कास्ट करने में काफी समय ले रहे हैं। और अब हाल ही में खबर सामने आई थी कि यश इस फिल्म में रावण का रोल निभाएंगे और राम के रोल के लिए रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं, तो वहीं भगवान हनुमान के रोल के लिए सनी देओल का नाम जोड़ा जा रहा था और अब तो सनी देओल की एंट्री फिल्म में पक्की ही मानी जा रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के स्टार्स नजर आने वाले हैं और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल इस नितेश तिवारी फिल्म रामायण के लिए साल 2024 में मई महीने में शूटिंग शुरू करने वाले हैं।
इस फिल्म के 3 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में सनी देओल का छोटा सा रोल होने वाला है। इसके अगले 2 पार्ट में सनी देओल का खास रोल होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण में सनी देओल भगवान हनुमान का रोल निभाने वाले हैं। वहीं इस फिल्म के लिए विजय सेतुपति को विभीषण के रोल के लिए लेकर बात की जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि लारा दत्ता को इस फिल्म में कैकई के रोल के लिए कास्ट किया जा सकता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में सनी देओल की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिल्म फेयर अवार्ड्स बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर अवार्ड्स में से एक है। अब हाल ही में अवार्ड सेरेमनी हुई थी जहां कई सेलेब्स को अवार्ड भी मिले। अब द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इन अवार्ड सेरेमनी पर एक अच्छा खासा तंज कसा है और सोशल मीडिया पर काफी निंदा भी की है। इसके अलावा उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कुछ सेलेब्स पर भी अपनी भड़ास निकाली है। विवेक ने हाल ही में ट्वीट किया कि मुझे जो चीज परेशान करती है वो ये है कि पूरा बॉलीवुड, जिसमें कुछ शानदार सिनेमा पर्सनालिटी भी शामिल हैं, उन्हें अजीब नहीं लगता पूरा बिका हुआ फिल्म फेयर अवार्ड में पार्टिसिपेट करना। ये कोई आर्टिस्ट अवार्ड शो में डांस करके अपने आर्ट की इज्जत नहीं कर सकता। उसके ऊपर उन्हें शर्म भी नहीं आती उन अवार्ड को शो ऑफ करते हुए जो पेड पीआर के साथ बिकते हैं। ये तो वही बात हो गई एक डेंटिस्ट अपने गंदे दांतों का शो ऑफ कर रहा है और अपने क्लिनिक का प्रमोशन कर रहा है। विवेक के इस पोस्ट पर कई लोगों के रिएक्शन आए हैं और किसी ने विवेक की बात को सही बताया तो किसी ने कहा कि इस बार फिल्म फेयर पहले से फेयर था। बता दें कि विवेक को कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा DY पाटिल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर विवेक ने कहा था कि ये 13 साल की मेहनत और स्ट्रगल के बाद अगर कोई आपको सम्मान करता है तो ये बड़ी बात होती है। विवेक की फिल्मों की बात करें तो लास्ट उनकी फिल्म द वैक्सीन वॉर रिलीज हुई थी, जो पिछले साल कोविड के दौरान बनाई गई वैक्सीन पर आधारित थी और अब वो द दिल्ली फाइल्स लेकर आने वाले हैं। साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर काफी चर्चा में है। कुछ महीने पहले फिल्म टॉक्सिक का अनाउंसमेंट वीडियो भी सामने आया था। फिल्म टॉक्सिक के अलावा यश का नाम रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण से भी जोड़ा जा रहा है और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश इस फिल्म में रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं। इन सब के बाद यश का नाम अब एक और नई फिल्म से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, यश बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्म में काम करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यश अपनी अगली फिल्म के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान फिल्म के आइडिया को लेकर भी बात हुई है और साथ ही साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि यश ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम करने की इच्छा जताई है। यश और शाहरुख खान साथ में एक्शन फिल्म में नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं हो पाया है। वहीं कुछ सोर्स ने बताया है कि यश अभी अपने मौजूदा प्रोजेक्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि यश अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक में एक दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म टॉक्सिक से यश के लुक्स भी सामने आ चुके हैं, जिसे देखने के बाद माना जा रहा है कि ये फिल्म KGF 2 से भी ज्यादा धांसू होने वाली है। शाहरुख खान और यश के साथ काम करने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी ने जीत ली है। इस सीजन के फर्स्ट रनर अप रहे अभिषेक कुमार को भी लोगों ने काफी पसंद किया था और खूब सारा प्यार दिया था। सलमान खान के शो के बाद अब ऐसी खबरें हैं कि जल्द ही अभिषेक और मुनव्वर कलर्स के ही दूसरे शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। कलर्स का पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 जल्द ही टीवी पर वापसी आने वाला है और बिग बॉस के फिनाले के साथ ही उसके कंटेस्टेंट्स की कास्टिंग भी शुरू हो चुकी है। अब हाल ही में शो के होस्ट रोहित शेट्टी भाईजान के शो में पहुंचे थे। ऐसे में खबरें हैं कि खतरों के खिलाड़ी 14 का अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी दोनों ही हिस्सा बनने जा रहे हैं
और खतरों से जंग करते नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 17 के टॉप 2 फाइनलिस्ट मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार की पॉपुलैरिटी शो के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों का गेम लोगों को बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। अब दोनों के फैंस एक बार फिर उन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। सलमान के शो में मुनव्वर और अभिषेक दोनों किसी न किसी वजह से ही अक्सर चर्चा में बने रहे हैं। आपको बताते चलते हैं कि ना सिर्फ मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार बल्कि इनके अलावा बिग बॉस 17 की टॉप 3 फाइनलिस्ट मनारा चोपड़ा के भी खतरों के खिलाड़ी 14 में एंट्री लेने की चर्चा जोरों पर है। वहीं बिग बॉस OTT 2 फेम मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान के नाम पर भी मोहर लगने वाली है। झलक दिखलाजा में नजर आ रहे शोएब इब्राहिम, विवेक दहिया और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी और डांसर धनश्री वर्मा के साथ टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हेली शाह का नाम भी खतरों के खिलाड़ी 14 की कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल होने की खबरें हैं। नौरा फतेही अपनी हॉट बॉडी और जबरदस्त डांस मूव को लेकर हमेशा ही छाई रहती हैं और यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग भी सोशल मीडिया पर उतनी ही बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल शो डांस प्लस प्रो में नौरा फतेही ने एक तड़कता भड़कता डांस किया था और वायरल वीडियो में नौरा डांस मेरी रानी सॉन्ग पर थिरकती नजर आई हैं। एक स्टेप करने के दौरान वो बोतल से पानी अपने बैक पर गिराती हैं। इसके अलावा वो पानी को अपने थाई पर भी गिराती हैं। जिस समय नौरा ये डांस कर रही होती हैं, वहां मौजूद जजेस बस एक्ट्रेस और डांसर्स को ही देखते रहते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए जजेस का मुंह भी खुला का खुला ही रह जाता है। बता दें कि इस गाने के स्टेप्स हॉलीवुड की फेमस सिंगर टायला के गाने वाटर से इंस्पायर्ड है। अब नौरा का वीडियो वायरल तो हो गया है, लेकिन उन्हें उतना ही ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि क्या ये सब टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा है। वहीं एक यूजर ने ये लिखा कि मुझे नहीं लगता कि हम इंडियंस वेस्टर्न कल्चर के लिए तैयार हैं। नौरा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो साल 2018 में एक्ट्रेस दिलबर म्यूजिक वीडियो में दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने तहलका मचा दिया था। इसके बाद नौरा का ग्राफ बॉलीवुड में और तेजी से बढ़ता गया, जिसकी वजह से वो भारत, स्त्री, बाटला हाउस जैसी फिल्मों में स्पेशल सॉन्ग में नजर आती थी। हालांकि इसके बाद फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नौरा ने बतौर एक्ट्रेस भी काम किया था। अब नौरा फिल्म क्रैक में नजर आने वाली है, जिसमें विद्युत जामवाल लीड रोल में है।